मजेदार शुतुरमुर्ग। हवा बहुत तेज हो रही है, हमें एक बड़ा सा पत्थर ढूंढना होगा ताकि जहाज उड़ना चाहे। हाँ, ये देखो, इस पत्थर से हम जहाज को रोक सकते हैं। जेन, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। हे माजिक, तुम कोई झरना क्यों नहीं ढूंढते? नहीं तो सारा पानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हे हे फ्लिन, अरे उड़ जल्दी भाई, ये उड़ जा। उसे सोने दो मिल्की, ये मौसम आराम करने का है, और वैसे भी जब ये सोता है तब खाता नहीं। चलो चलो देखते हैं और कुछ खाने को ढूंढते हैं। वहाँ देखो, ये अजीब जानवर क्या है? जानवर वो एक खरगोश है, पर ये थोड़ा मोटा है और उसकी लंबी पूंछ है, और वो पेड़ों में फुदक रहा है। उसके पास एक पॉकेट है, और ऐसा लग रहा है एक खरगोश उसके पॉकेट में है। ओह, मुझे याद आया, इसे कहते हैं पेड़ों का कंगारू, एक छोटा कंगारू। मेरे डैड ने मुझे इसके बारे में बताया था सब कुछ। इसके बारे में तो एक कहानी भी है। एक समय की बात है, कुछ जंगली जानवर रहा करते थे, उन्हें कंगारू कहते थे। वो धरती पर यहाँ वहाँ फुदकते रहते थे और अपने बच्चों को अपने थैले में रखते थे। एक बेबी कंगारू होता था और उसे कहते थे जोई, और जोई ज्यादा दूर तक नहीं उछल पाता था। पर एक दिन उसे पता चला कि सबसे ऊंचे चट्टान की चोटी पर एक जादुई वालाबी पत्थर है, जो कि हर 100 साल में एक विश पूरी करता है। तो फिर जॉय ने चट्टान के ऊपर छलांग मारने की ठान ली। वो छोटे कंगारू के लिए एक लंबा और मुश्किल सफर था, पर आखिरकार वो वालाबी पत्थर तक पहुंच ही जाता है। उसने एक विश मांगी और उसके बाद वो बहुत ऊंचाई के साथ कूदने लगा, और बहुत दूर तक भी, ना सिर्फ जमीन पर बल्कि पेड़ों पर भी। सब उसे छोटे कंगारू की जगह एक पेड़ वाला कंगारू कहने लगे, या एक वाला भी। काश हमें वो जादुई पत्थर मिल जाती, हमें उसकी बहुत जरूरत है, फिर हम उससे मदद मांगते और हम लिली को अपने साथ घर ले जाते। तुमने कुछ सुना मिल्की? एक बड़े चट्टान के ऊपर एक जादुई पत्थर है जो विशेष पूरी करता है। पर अपन उसे ढूंढेंगे किधर भाई? हे, वहाँ देखो, मिल गया हमें। हाय दोस्त, तुम अच्छा जंप करते हो, देखो मैं क्या कर सकता हूँ। ये बहुत अच्छा था। मैं मार्टिक हूँ, पर तुम कौन हो? सब मुझे वॉलरो कहते हैं। मैं एक पेड़ों का कंगारू हूँ, एक वॉलबी, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अच्छा जंपर। मैं जल्दी बन जाऊंगा सबसे अच्छा जंपर। वापस पॉकेट में, वापस पॉकेट में, पर मैं खुद जंप कर सकता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। तुम बहुत लकी हो, पॉकेट में बैठ के सफर करते हो। मैं भी ये करना चाहता हूँ, पॉकेट का सफर, सिर्फ एक ही बार बस। मेरे पास एक आइडिया है, तुम चुपके से पॉकेट में जंप कर सकते हो मेरी जगह पर, फिर मैं अकेले प्रैक्टिस कर सकता हूँ, ठीक है? स्पाइक, अपन लोग ऊपर कभी नहीं पहुंच पाएंगे भाई। हमें बस अब इतना करना है कि हमारे लिए किसी बुद्धू को ढूंढना है जो हमें ऊपर जाने का रास्ता दिखाए, और फिर वो जादुई पत्थर हमारी यहाँ से निकलने में मदद करेगा। अरे देखो मुझे, आजादी, आखिरकार पूरी ऑस्ट्रेलिया का सबसे अच्छा जंपर। स्पाइक, वो हेल्प कर सकता है भाई। सही कहा, वो बहुत अच्छा कूदता है। हे तुम, तुम्हारा नाम क्या है? मैं वॉलरो हूँ,
मैं पेड़ का कंगारू हूँ। सुनो बच्चे, पेड़ों पर तो डरपोक कूदते हैं, पर अगर तुमने उस चट्टान पर छलांग लगा दी तो बात कुछ और होगी मेरे छोटे दोस्त। पर मुझे लगता है तुम बहुत छोटे हो और तुम ये कभी भी नहीं कर पाओगे। मैं? तुम्हें लगता है मैं बहुत छोटा हूँ? सुनो तुम, मैं आसानी से ऊपर छलांग मार सकता हूँ और दिखा सकता हूँ सबको कि मैं बच्चा नहीं हूँ, खास कर तेरी माँ। अच्छा, तो फिर किस बात का इंतजार है? चलो कंगारू। चलते हैं, हाँ, वार्मर या जो भी तुम्हारा नाम है, चलो और सबको दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। हाँ दिखाओ। हे बच्चे, तुम्हें कुछ दिखा क्या? ऊपर कोई वॉल अभी पत्थर है, तुम्हें दिखा? ये क्या, वो पत्थर अपन लोगों के लिए नीचे ला सकते हो भाई? हे दोस्त, कहाँ गया वो? एक वॉलबी पत्थर, ये तो सबसे ऊंचा पत्थर है, ये वॉलबी पत्थर है, मैं उस पर खड़ा हूँ। तुमने बताया नहीं। क्या ऊपर जो पत्थर है वो वॉलबी पत्थर है? चलो मेरे साथ मिलके, इससे पहले कि हम यहाँ खड़े खड़े थक जाए, हम फिलिन से कहते हैं कि वो हमें ऊपर लेकर चले। मेरा क्या, मेरे लिए रुको। जैसे तुम ऊपर गए थे ठीक वैसे ही नीचे आ जाओ, ये आसान है। कूदो आओ, कूदो और आओ, हमें देर हो रही है, कुछ काम है, फिर मिलेंगे, बाय बाय। और क्योंकि तू ऊपर भाई, तो पहेलिया बुझाना बंद कर दे। रुको, मेरे लिए रुको, मुझे अकेला छोड़ के क्यों जा रहे हो? जोए, चलो अब नहाने चलते हैं। तुम सच में छोटे से पिगी हो, पर तुम मेरे छोटे से कीमती वालारू नहीं हो। नहीं, मैं मार्टी को, मुझे माफ कीजिए। पर वालारू कहाँ है? वो पॉकेट में नहीं बैठना चाहता था, वो अब बड़ा हो गया है, खुद से कूदना चाहता है, तो वो प्रैक्टिस करने गया है, ऐसा उसने कहा। वालारू, मेरा बच्चा, वो उस चट्टान पे कैसे पहुँचा? मुझे जल्दी जाना चाहिए। मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मदद करो। ये आवाज वहाँ से आ रही है, किसी को हमारी मदद की जरूरत है। जेक, बांध को फिर से लगाओ, जहाज को खोल दो, जल्दी हमें ऊपर जाना होगा तूफान शुरू होने से पहले। कोई मदद करो, पापा मदद करो, कोई मदद करो प्लीज। रुक जाओ, हम तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। मुझे बस अभी सही से दूरी मापनी होगी। उसे बस वहाँ से कूदना होगा, उसे बस वहाँ से कूदना होगा। चलो, हम जानते हैं तुम कर सकते हो, हमें तुम पे भरोसा है। तुम बहुत अच्छा कूदते हो। बहुत अच्छे दोस्त। वालरू, तुमने अपनी मम्मा को डरा दिया था, तुम सबका शुक्रिया मेरे छोटे से वालरू की मदद करने के लिए। मामा, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। मम्मा बहुत चिंता कर रही थी बेटा, लेकिन अगर तुमने उस बड़े से चट्टान के ऊपर छलांग लगा ली, इसका मतलब तुम बड़े हो गए हो, तो हम कूदने की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं बड़े महान यूकेलिप्टस के पेड़ पे। मेरी मम्मा दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा है। गुड बाय बच्चों। तुम सबका शुक्रिया। जल्द वापस आना, हम सबसे ऊंचे यूकेलिप्टस पेड़ पर साथ में कूदेंगे। मुझे खजाना चाहिए, मुझे नाव चाहिए, मुझे खजाना चाहिए। नहीं रुको, चुप रहो सबके सब, मैं मांगता हूँ एक बड़ा खजाना बंदर जाति से। तैयार हो? मैं समझ गया, ठीक है,
मैं जानता हूँ कि ये सब उस फुदकने वाले पेड़ों की कंगारू के वजह से हुआ है। उसने जरूर पहले ही विश मांग ली होगी। वो चला गया और हमारी विश बर्बाद कर दी। अब हमें अगले और 100 साल इंतजार करना पड़ेगा। हम हार गए। यहाँ से बाहर निकलो। अलविदा थियोडोर। ओहो, तुम लोगों को कोई और सवाल नहीं सूझा क्या? हाँ, मैं तो रात भर सोचता रहा पर कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। वैसे मैंने कुछ सोचा था पर अब मैं भूल गया। हेलो थियोडोर, क्या आप भी हमारे साथ चल रहे हैं? नहीं नहीं दोस्तों, मैं तो बस अलविदा कहने आया हूँ। अलविदा? पर किस लिए? ओह, देखो ना, सितंबर का महीना आ चला है। हम पक्षियों का झुंड आज शाम को गर्म प्रदेश के लिए रवाना हो रहा है। हम वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। ओहो, ये तो बहुत दूर है। अरे ये कहाँ दूर है, दूर तो वो गर्म प्रदेश है। कई दिनों की मुश्किल भरी उड़ान, भीषण गर्मी, भीषण सर्दी, तेज हवाओं और तूफानों से होकर गुजरना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, क्या सवाल है आज तुम्हारे पास? जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आज मैं सबसे दिलचस्प सवाल का ही जवाब दूंगा। क्या हुआ, कोई भी सवाल नहीं? वैसे मापा पंडित का एक सवाल है, ये सभी सारा सर्दियों के मौसम में गर्म प्रदेश क्यों चले जाते हैं? क्या सवाल पूछा है लियो? बहुत बढ़िया, वाकई बहुत ही बढ़िया सवाल है तुम्हारा। शुरू में बहुत पहले पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा गर्मी रहती थी, लेकिन फिर मौसम में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। जीव जंतु अपने लिए फर और पंख ढूंढने लगे। जिन्होंने पंख ढूंढ लिए वे उड़ने लगे और पक्षी बन गए। बाद में पता चला कि पंख सर्दी से नहीं बचा पाएंगे, पर पक्षी जो थे वो तो अपने पंख को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उन्हें अपने पंखों से बहुत प्यार था। अपनी उड़ने की अद्भुत क्षमता को पक्षी अभी गर्म फर के लिए खोना नहीं चाहते थे। इसलिए कई पक्षी सर्दी से बचने के लिए हर साल दूर गर्म प्रदेशों में पलायन कर जाते हैं। अच्छा है कि मेरे पास ये फर है, वरना मैं तो कभी भी इतनी दूर गर्म प्रदेश तक पहुंच ही नहीं पाता। अच्छा है कि मेरे पास ये फर है, नहीं तो मुझे भी किसी गर्म जगह पर जाना पड़ता। हाँ, कितना सुंदर पंख है, ये कहाँ से आया होगा? ये तो थियोडोर का पंख है। और वो लोग तो इसके बिना गर्म देश तक नहीं जा पाएंगे। तब तो हमें उन्हें इसे वापस करना होगा। पर हम उन तक नहीं पहुँच पाएंगे, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब तो मेरी दोस्तों जल्दी चलो। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। नहीं लियो, नहीं हो पाएगा। पर क्यों नहीं? छलांग लगाओ टेक, डरो नहीं। हटो, पहले मुझे जाने दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लड़कियों को हमेशा पहले ही जाने देना चाहिए। अरे वाह, मजा आ गया। हम पहले ऐसे क्यों नहीं कूदे? ये तो सच में बहुत ज्यादा ऊंचा है। लियो सुनो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा ठीक है, देख जैसा तुम चाहो, पर उससे पहले ये बेल पकड़ लो।
मुझे बचा लो दोस्त लियो। पकड़े रहो, छोड़ना मत। टेक। अरे टेक, मैं अभी आया। मेरा हाथ पकड़ो टेक। हुआ क्या था तुम्हें? लगता है इसका हाथ उलझ गया था, इसीलिए कूद नहीं पाया। हाँ सच में मेरा हाथ उलझ गया था। कितना ज्यादा घना कोहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे हो गया काम, सारस बस अब उड़ने ही वाले हैं। पर थियोडोर कैसे उड़ेंगे? उनका पंख उड़ गया, पकड़ो उसे, उड़ जाएगा। अरे छोड़ो, अब उसका क्या करेंगे हम? वैसे भी हमें देर हो गई है, इस कोहरे की वजह से हम रास्ता भटक गए हैं। ये पंख तो चमक रहा है। लगता है ये हमें रास्ता दिखा रहा है। चलते उड़ते हैं दौड़ते हम, एक दूजे के लिए तैयार हम, जादुई पंख पर है फिदा हम, दिखाए रास्ता हदम। फंस गए जो मुसीबत में तुम, कोई फिक्र न करना तुम, तेरे लिए तेरे यार ओ हम दम लगे हर हम। कर गए कोई पंख भर वाले, या गाएंगे तो निराले, सरहद नहीं तो सिमट कर यकीन, थियोडोर हम दम मत माने। चलना, कोहरे से निकलना, नदिया छट से पार लगाना, थियोडोर को मदद पहुंचाना। फंस गए जो मुसीबत में तुम, कोई फिक्र न करना तुम, तेरे लिए तेरे यार ओ हम दम ढूंढ लेंगे हल हम। कर गए कोई पंख भर वाले, या गाएंगे तो निराले, सरहद नहीं दोस्ती बिगर यकीन, थियोडोर हम दम मत माने। तो कुछ नहीं पता। क्या बात कर रहे हो तुम, मजाक कर रहे हो थियोडोर? शेर चीता और बनबिलाव तुम्हारे दोस्त हैं। मैं नहीं मानता तुम्हारी बात को। पूरा झूठ बकवास। वो कहाँ छुप सकता है भला? लियो! यारा! हे! मेरा तो आज का दिन ही खराब है। पहले मेरा हाथ उस बेल में उलझ गया था और मैं अब इस गड्ढे में आकर गिर गया। मुझे ये बेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सारस कहाँ चले गए? क्या सब उड़ गए? हाँ, लगता है हमें आने में देर हो गई। इधर आओ जल्दी से। हंसलो हंसलो, तुम मेरे ऊपर विश्वास करो या ना करो, पर वो सच में मेरे दोस्त हैं। हमने उन्हें तोड़ लिया। हुर्रे! ये लो, इसे अपनी सही जगह पर लगा लो।
हाँ, ये तो मेरा ही पंख लग रहा है। इसके बिना तो आप उड़ नहीं पाते। क्या बात कर रहे हो टिक, इस एक पंख के बिना भी मैं अच्छे से उड़ सकता हूँ। तो हम बेकार ही इतनी दूर तक आए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम सब मुझे यहाँ अलविदा कहने के लिए आए हो। और ये पंख मैं तुम सभी को तोहफे के तौर पर देता हूँ। अलविदा थियोटर दोस्त, अपना ध्यान रखना। उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें, उस आंधी का हम क्या करें जो लहरों में चले। गाकर हम उसे भगाए, गाकर हम उसे भगाए, गाकर हम उसे भगाए, उड़कर आगे बढ़े। तुम देखना, मैं कर लूंगा। मैं पहली बार में ही पक्का निशाना लगाऊंगा। तुम चूक गए। ये तो हवा की वजह से हुआ है। हाँ हाँ, हवा की वजह से। रुको, मैं एक और कोशिश करता हूँ। टिग हमेशा ऐसे बहाने बनाता है। नवजात शिशु। दोस्तों देखो मुझे क्या मिला, वहाँ रेत पर रखा हुआ था। अरे अंडा, क्या लगता है किसका होगा? जरा सोचो इसमें से क्या निकलेगा, कौन निकलेगा इसमें से? इसके अंदर से कुछ निकलने के लिए हमें उसके ऊपर बैठना होगा। चलो टिग, बैठ जाओ। चलो बैठो। पर मैं ही ऐसा क्यों करूँ? क्योंकि तुम मेरे दोस्त सबसे मुलायम हो और सबसे गुदगुदे भी। मैं सोच रही थी कहीं ये बतख तो नहीं, या फिर कोई मुर्गी। मैंने सुना है कि सांप वो भी ऐसे अंडे से पैदा होते हैं। अरे नहीं, सांप का अंडा। घबराओ मत, ये तो बस एक कछुआ है। हाँ, देखो कितना प्यारा है। हाँ, नन्हा सा मासूम। देखो लगा कि ये कछुआ कहीं सांप तो नहीं। कम ऑन लियो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, डर तो तुम गए थे। वाह, खाना मिला। भागो, देखो गिर। नहीं पकड़ पाया। चलो जंगल के अंदर। बाल बाल बचे। मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। दोस्तों जरा इसे तो देखो, इस कछुए की उंगलियां तो जुड़ी हुई है। शायद ये थोड़ा अलग है। मैं समझ गया, शायद इसीलिए बाकी कछुओं ने इसे छोड़ दिया। ओ बेचारा कछुआ, हम लोग तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। रखेंगे ना दोस्तों? हाँ बिल्कुल रखेंगे। एक आइडिया है, मैं इसे बहुत अच्छा बाग बनाऊंगा। बाग ही क्यों, हाँ ये एक अच्छा तेंदुआ भी हो सकता है। ओह, मैं तुम्हें बुलाऊंगी लिटिल बेबी टी। याद रखना बेबी टी, बाग टैगा का राजा है। हमारे साथ राजा है। बीच में मत बोलो लियो। टी, तुम्हें पता है सब बाघ से क्यों डरते हैं? क्योंकि वो बहुत ताकतवर होते हैं। वाह, समझ गए? और अब तुम कोशिश करो। कम ऑन, जोर से, कुछ ऐसे। बहुत हुआ,
अब मेरी बारी। एक बात याद रखना बेबी टी, कि घात लगाने से ही दुश्मन पर जीत मिलती है। हम तेंदुए इसमें बहुत माहिर होते हैं। तेंदुए ऐसा नहीं करते हैं, पर कोशिश अच्छी थी। कौन है जिसे बाथटब में नहाने में मजा आ रहा है? हाँ वो तुम हो मेरे प्यारे लिटिल टी। सुनो बेबी टी, अभी तुम्हारा मिशन ये है कि तुम इस तितली को पकड़ो, और हम बाघ इस काम को कहते हैं शिकार। चलो जाओ। बहुत हुआ टेक, अब मेरी बारी है टी को ट्रेनिंग देने की। बिल्कुल नहीं, वो अभी तक बाघ नहीं बना है। बनेगा भी नहीं, क्योंकि बेबी टी बड़ा होकर सबसे बहादुर तेंदुआ ही बनेगा। बाघ, तेंदुआ, दोस्तों क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? ये तो बच्चा है। दोस्तों ये टी कहाँ है? यूहू, बेबी टी। टी कहाँ चले गए तुम? बेबी टी कम ऑन, कुछ तो बोलो। हम यहाँ हैं। नहीं, हम उसे ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगे, अलग अलग जाना होगा। टेक तुम बाएं जाओ और मीला तुम दाएं तरफ जाओ, और मैं सीधा जाता हूँ। यूहू, बेबी टी कहाँ चले गए तुम? ओ मीला, इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रही हो? ओ मापा पैंजी का। हेलो सर, हमें बेबी टी कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं। बेबी टी क्या है? आपका मतलब बेबी टी, पता है, छोटा सा कछुआ जिसके छोटे छोटे से पैर है और उंगलियां चिपकी हुई है। नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। वैसे ये कछुआ, इसकी उंगलियां चिपकी हुई हैं, वो जंगल में क्या कर रहा था? कछुए तो कहीं और रहते हैं। ऐसा क्या, पर कहाँ? सुनो मैं बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, कछुए टापू पर रहते थे, पर एक दिन बरसात हुई और पानी भर गया। नदी का एक टापू पूरी तरह पानी में डूब गया, तो जो सबसे बुजुर्ग और समझदार कछुआ था, उसने नदी से कहा कि उसकी जान बख्श दे और उसके बच्चों को तैरना सिखा दे। नदी को उसकी बात पर दया आ गई और कछुए को दे दी चिपकी उंगलियां, और वो अंडा जमीन पर ही देते हैं ताकि पानी में वापस जाने से पहले उनके बच्चों को पता हो कि वो कहां से आए हैं। मिट्टी उनका पहला घर, ये वो अनुभव है जो हमेशा याद रहेगा। और जब छोटा कछुआ पानी में जाता है तो उसी बुजुर्ग कछुए की आत्मा उन्हें रास्ता दिखाती है। इसका मतलब है कि टी पानी का कछुआ है। यूहू, टी कहाँ हो तुम? कुछ तो कहो। वो तो कहीं नहीं है। ए दोस्तों मेरी बात सुनो, मुझे पता चला है कि टी पानी में रहता है। क्या पानी में रहता है? अगर ये सच है तो इसका मतलब हुआ कि वो, हाँ, वो नदी में ही होगा। लेकिन दोस्तों गिद्ध का क्या? मेरा खाना खुद चल कर आ गया और धूप में और भी कड़क हो गया है। ए तुम, हमारे टी को अकेला छोड़ दो। क्या तुम फिर से कह सकते हो? मैं समझा नहीं। तुम अपना गंदा मुंह बेबी जी से दूर रखो। मुझे तरह तरह के व्यंजन पसंद हैं। कम ऑन टी, भागो वहाँ से। Ah!
हे कछुए, क्या किया तुमने? बेबी टी, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम्हें खाकर तो मेरा पेट खराब हो जाता। बाद में देखूंगा तुम्हें, अभी भाड़ में जाओ। बहुत बढ़िया बेबी टी। सब मैंने सिखाया है। जी नहीं, मैंने सिखाया नहीं, हम सब ने मिलकर सिखाया है। जरा देखो तो, ये एक बुजुर्ग कछुआ है। बाय बाय। जाओ टी, ये तुम्हारा परिवार है। और हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, तुम बहुत कमाल के बाघ हो और बहादुर तेंदुए भी। जी, अपना ख्याल रखना। टाइगा की रूह की तरफ से एक तोहफा। क्या बात है, ताजा मांस। तुम तो कितने मोटे भी हो, शिकार होने खुद चले आए। यहीं रुक जाओ। अच्छा, इस तरफ। और अच्छा, अब इस तरफ। मिल गया। अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया। क्या आपने देखा, क्यूबा ने आधा घंटा लगा दिया सूंघते हुए, और मैंने बस एक झटके में ढूंढ लिया। क्या शानदार नाक है मेरी। शाबाश टेग। तो मापा पंडिका, ये सूंघने की शक्ति आखिर आई कहाँ से? ये तो बहुत पुरानी कहानी है बच्चों। एक समय की बात है, जानवरों में सूंघने की शक्ति जरा भी नहीं थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। पूरी कहानी तो सुन लो। उन दिनों में जानवर सिर्फ अपने देखने और सुनने की शक्ति पर निर्भर करते थे। पर एक दिन टाइगा पर भीषण सर्दी का प्रकोप हुआ। इतनी भयानक सर्दी हुई जैसे कि पहले कभी नहीं हुआ था, और हर तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर थी, और जानवरों को खाना ढूंढने में बहुत तकलीफ होने लगी, और वो भूख से तड़पने लगे, और ऐसा लग रहा था जैसे ये सर्दी का मौसम कभी नहीं जाएगा। टैगा की रूह को जानवरों पर दया आने लगी, और उसने जानवरों को ये शक्ति दी कि वो बर्फ के अंदर पड़े खाने को भी सूंघ सके। ये सभी जानवरों को मिली है? हाँ, और सबसे ज्यादा शक्ति दी गई शिकारियों को, भेड़ियों को। इसलिए तुम सबको सावधान रहना चाहिए। अफवाहें तो ये है कि हमारे जंगल में लाल भेड़िया आया था। अरे बाप रे, मैं तो वुड्स में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मापा, चलो फ्लॉस ढूंढने चलते हैं। और अब मेरी बारी है। ठीक है मीरा। जेक, क्यूबा कहाँ है? क्यूबा शायद अभी भी अपना फ्लावर ढूंढ रहा होगा। टाइगा की आत्मा ने उसकी नाक पर काम ही नहीं किया होगा। नहीं टेक, वो झाड़ियों में नहीं है। कहीं वो मुझ में तो नहीं गया? वहाँ लाल भेड़िया है। नहीं, वो यही कहीं होगा। टेक, हमें उसे ढूंढना होगा।
ऐसे चिल्लाना बंद करो, ऐसे चिल्लाओगे तो लाल भेड़िया सुन लेगा। लियो, पर उसे ढूंढेंगे कैसे? पाँव के निशान से? क्या तुम्हें दिख रहा है? नहीं टेग, हम क्यूबा को उसकी खुशबू से ढूंढेंगे, जैसे तुमने फूल ढूंढा। हाँ सही कहा, अब देखो मैं कैसे उसे झटके में ढूंढ लूंगा। लियो ये बताओ, क्यूबा की खुशबू कैसी है? सच में ये देखो इस फल की जैसी, लो इसे सूंघ लो। तो मेरा ध्यान मत भटकाओ, मुझे लगता है मिल गया। तुम्हें मिला? ये पक्का उसी की खुशबू है। चलो ढूंढते हैं। मुझे खुशबू यहाँ से ही आ रही है, लेकिन वो जंगल में क्यों गया होगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है टेक, तुम बदमाशी नहीं करते तो क्यूबा कहीं नहीं जाता। अब मैंने क्या कर दिया? तुम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे थे टेक? क्यूबा, तुम आधे घंटे से फूल ढूंढ रहे हो। कहीं तुम अपनी नाक घर पर तो नहीं भूल गए? ओह समझ गया, तुम्हारी नाक तो किसी काम की ही नहीं है। लियो मुझे नहीं पता था कि वो इतना बुरा मान जाएगा। जेक, दोस्तों पर हंसना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अच्छा लगता है क्या जब नेवले तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं? जब तुम्हें ऊंचाई पर जाने से डर लगता है? हाँ हाँ मैं समझ गया। एक मिनट, ये खुशबू कैसी है? यहाँ से आ रही है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लियो आखिर वो छिप किससे रहा है? लियो मुझे किसी और की भी खुशबू आ रही है। शांत हो जाओ टेग, ये असली भेड़िया नहीं है। क्यूबा कमोन, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चले चले, हमें क्यूबा को बचाना होगा। सही कहा, अगर वो अब जिंदा होगा तो। वाह क्या बात है, फिर से ताजा मांस। लियो ये तो असली वाला है। इसने कहा एक और नाश्ता, मतलब क्यूबा को खाकर बचा गया होगा और अब यह हमें खा जाएगा। देख जल्दी। चलो ठीक। छुपोगे बच्चों, मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। लगता है उसने हमें सूंघ लिया। तुम्हारी खुशबू आ रही है, तुम्हारी खुशबू आ रही है, मेरा प्यारा ताजा नरम मांस वाला खाना, एक बाघ का बच्चा और तेंदुए का बच्चा। उसने हमें सूंघ लिया है। लियो तुम्हें कुछ सोचना होगा, जल्दी सोचो। ठीक, ये तो कोई राक्षस लगता है। अब तो हम काम से गए। बस बहुत हुआ बच्चों, मैं आया।
आ रहा हूँ तुम्हें खाने। मैं तुम तक पहुँच चुका हूँ। हाँ, क्या हो रहा है ये? कहाँ गए वो दोनों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो खुशबू के पीछे भाग रहा था। अच्छी बात है, मुझे बेवकूफ बनाकर गए ना। लेकिन अगली बार तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, मैं तुम्हें खा कर रहूंगा। हम जीत गए, वो चला गया, वो हमें सूंघ नहीं पाया। इस राक्षस की वजह से इसने हमारी खुशबू को छिपा दिया। तो तुम यहाँ छुपे हुए थे और हमने तुम्हें राक्षस समझ लिया था, और क्यूबा नहीं। सुनो क्यूबा, एक बात कहूँ, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। तुम्हारे सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इस तरह से छिपने के बारे में मैं कभी नहीं सोच पाता। और ये है घाटी की लिली, मेरा पसंदीदा। लो सूंघो इसे, कमाल है ना? मापा, ये मेंढक जैसा महक रहा है। सही कहा, इसमें से अजीब बदबू आ रही है, बहुत अजीब बदबू हमसे आ रही है। मैं एक गंदा राक्षस हूँ और मैं सबको बचा लूंगा। ठीक, तुम राक्षस जैसे बिल्कुल नहीं दिखते, तुम तो कीचड़ में भी प्यारे दिखते हो। हाँ, ये महक तो मेंढक जैसा है।